तो गैस आज का जो टॉपिक है वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रिकल फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च किया गया है। मैं हूं रितेश सिंह, आज इन्हीं के बारे में काफी कुछ यहां पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोगों को बताते हैं, इनका जो शुरुआत है गैस 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा गैस लॉन्च किया गया था, मतलब शुरुआत किया गया था। और फाइनली गैस 2023 में ना फ्लैक्स फ्यूल टोयोटा कंपनी के द्वारा गैस व्हीकल लॉन्च कर दिया गया। अच्छा, सरकार को ऐसा क्या जो आना पड़ गया जिसके कारण गैस फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल को लॉन्च करना पड़ा? तो गैस इससे पहले दो डाटा समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आप समझ जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको भी पता है कि क्रूड ऑयल के मामले में आज भी हम किसी अदर देश पे डिपेंड है, मतलब इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। इंडिया में खुद प्रोडक्शन नहीं होती क्रूड ऑयल वगैरह, हम किसी अदर देश से खरीदते हैं यहाँ पे। और इसके मामले में ना इंडिया तीसरे स्थान पे वर्ल्ड में, तीसरे स्थान सबसे ज्यादा गैस हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं तीसरे स्थान में। पहले स्थान पर सबसे ज्यादा गैस चाइना खरीदते हैं, दूसरे में यूएसए, और तीसरे स्थान गैस इंडिया क्रूड ऑयल खरीदती है यहाँ पे। 9 अगस्त 2022 डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करें गैस, इंडिया 173.5 बिलियन डॉलर का गैस क्रूड ऑयल है ना किसी अदर कंट्री से हम लोग परचेज किए थे यहाँ पे। अगर 173.5 बिलियन डॉलर अगर बच जाता ना, तो मालूम नहीं इंडिया कितना ज़्यादा और भी विकसित कर पाता है यहाँ पे। नाउ इसी के लिए गैस फ्लैक्स फ्यूल वगैरह व्हीकल को लॉन्च किया गया है यहाँ पे। नाउ हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं और क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल जब बनाते हैं ना, तो पेट्रोल डीजल से जब गाड़ी चलती है ना, तो कहीं ना कहीं गैस इंसान को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जैसे कि लंग में कैंसर हो जाना, हार्ट अटैक आना, अस्थमा प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल मिश्रण होती है वो हाइड्रोजन कार्बन मिश्रण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिश्रण होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है मिश्रण, तो ये सब कहीं ना कहीं गैस इंसान को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सिर्फ इंसान को ही नहीं, पूरे इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं, जीव जंतु जानवर पेड़ सभी को प्रभावित करते हैं जब पेट्रोल डीजल जल के जब गाड़ी से धुआं निकलती है। तो नाउ यहाँ पे बात करें गैस, हालांकि गैस इसी को कम करने के लिए गैस सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी लॉन्च किया था यहाँ पे। और बताया गया था कि 2030 तक गैस लगभग जैसे कि लगभग 30% गैस व्हीकल भारत में दिख जाए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाद। इनके अलावा गैस हाइड्रोजन व्हीकल हो, एथेनॉल से चलने वाली गाड़ी हो, इन सभी को गैस लॉन्च किया गया है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डीजल को कम इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे। नाउ गैस तो फिर ये फ्लैक्स फ्यूल है क्या गैस? फ्लैक्स फ्यूल पेट्रोल और प्लस गैस एथेनॉल को आप मिला दीजिए, बस इसको ही फ्लैक्स फ्यूल बोला जाता है यहाँ पे। तो गैस ये फिर एथेनॉल क्या है यहाँ पे? एथेनॉल एक प्रकार का ईंधन है और इसको इस्तेमाल करते हैं तो प्रदूषण थोड़ा कम होता है, और गैस इनसे ना वाहन वगैरह भी चलाया जा सकता है और इन्वायरमेंट के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा गैस एथेनॉल है यहाँ पे। नाउ गैस फिर एथेनॉल बनता कैसे? तो गैस एथेनॉल है ना गन्ना से बनती है यहाँ पे। अब बताइए, अब गन्ना से एथेनॉल बन गया तो कहीं ना कहीं गैस किसान के लिए तो काफ़ी खुशी की बात है। तो गन्ना का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा यहाँ पे, गन्ना का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम अदर देश से जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं ना वो कम खरीदेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपना भारत में ही गन्ना काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होती है। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट गन्ना उत्पादन के मामले में गैस भारत है यहाँ पे। पहले स्थान पे ब्राजील है, दूसरे स्थान पे गैस भारत है यहाँ पे। और गन्ना से ही एथेनॉल बनते हैं और एथेनॉल से जब गाड़ी चल सकती है तो क्यों नहीं हम गन्ना ज़्यादा उत्पादन करें यहाँ पे। इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, प्रदूषण भी कम होगा और फिर गैस किसान के काफ़ी ज़्यादा रोजगार भी मिल जाए यहाँ पे, है ना। और जो 173 बिलियन जब हम किसी और को देते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा दुख होता है गैस, है ना। ये सब पैसा बचेगा तो इंडिया और भी ज़्यादा डेवलप कर पाएगा। हालांकि अगर बात करें गैस, भारत सरकार अभी 10% है जो एथेनॉल है ना मिक्सर करते हैं पेट्रोल में यहाँ पे। हालांकि 2025 तक उन्हें बढ़ाकर 20% तक कर दिया गया। क्यों? पेट्रोल में जब एथेनॉल मिक्सर होगा उसी को क्या बोला जाएगा? फ्लैक्स फ्यूल बोला जाएगा। और ये जब 2025 तक 20% कर दिया जाएगा तो पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एथेनॉल भी मिक्सर होगा यहाँ पे। ब्राजील जैसे देश में ना 40% तक एथेनॉल को मिक्सर किया जाता है, और एथेनॉल किससे बनते हैं? गन्ना से बनती है, और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर उत्पादन होता है? ब्राजील में ही होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक 2025 तक केवल 20% है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला गैस 2030 तक अपना देश भी 40% तक एथेनॉल यूज करेगा। तो एथेनॉल ज़्यादा यूज होगा तो जाहिर सी बात है गैस पेट्रोल डीजल है वो हम कम खरीदेंगे यहाँ पे अलग देशों से, है ना। तो आज के लिए क्या लेते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।